डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस ने एक तरफे अंदाज में खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स को उसके घर में 9 विकेटों से करारी शिकस्त दे दी है। गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने पहली बार के विजेता राजस्थान रॉयल्स को 118 रनों के मामूली स्कोर पर सिमट दिया। हालांकि गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से राशिद खान ने 3 तो नूर अहमद ने 2 विकेट चटकाए। फिर वृद्धिमान शाह के 41 और कप्तान हार्दिक पांड्या की तूफानी पारियों के बदौलत 14वें ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। बताना चाहूंगा कि इस जीत से गुजरात टाइटंस ने टॉप पर अपनी पोजीशन न केवल पुख्ता कर ली है, हालांकि लगातार दूसरे सीजन में भी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। बताना चाहूंगा कि गुजरात ने इस नतीजे के साथ ही आईपीएल 2023 में अपने घर में राजस्थान रॉयल्स से मिली हार का हिसाब भी चुकता कर लिया और पॉइंट्स टेबल में भी लंबी छलांग लगाती हुई दिखाई दी है। आईपीएल 2023 के 48वां मैच राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया और राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 17.5 ओवरों में ही 118 रनों पे ऑल आउट होती हुई दिखाई दी। हालांकि गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 119 रनों का लक्ष्य मिला था और इस टीम ने 13.5 ओवरों में ही 1 विकेट पर 119 रन बनाकर मैच को 9 विकेटों से जीत लिया। इस मैच में जीत हासिल करने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम 14 अंक हो गए और अंक तालिका में हार्दिक की टीम पहले नंबर पर बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 अंक है और वो 4थे नंबर पर बनी हुई है।